हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम राहुल और आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोटेकिया में बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में रोला और सोठा पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे हिंदी ग्रामर का यह तीसरा वीडियो होने वाला है पहले वीडियो में हमने रस पढ़ा है और दूसरे वीडियो में अलंकार और हम तीसरे वीडियो में यानी कि आज रोला और सोटा पड़ेंगे तो दोस्तों अगर अभी तक आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के अंत में आप उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और दो दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसा की मैं आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पर देख लीजिए आठवें का पहला क्वेश्चन रस से संबंधित होता है जिसे करुड़ अथवा हाथ रस की सुधारण परिभाषा दीजिए करुण या हास्य दोनों में से कोई एक पूछता है और यही दोनों सिर्फ हमें तैयार करना होता है और ख में पूछता है कि रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण तथा उदाहरण दीजिए तो यहाँ ख में जो क्वेश्चन पूछे पूछेगा वो तीन अलंकार से पूछेगा या तो रूपक उपमा और उत्प्रेक्षा इसके अलावा और कोई अलंकार से नहीं पूछेगा और तीसरा आता हैरोला और सोठा तो सोठा अथवा रोला की परिभाषा सहित उदाहरण परिभाषा सहित परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए तो और सोटा है। दोनों में से संबंधित सहित उदाहरण देना होता है तो आज हम इस वीडियो में रोला और सोटा पढ़ने वाले हैं तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं दोस्तों तो पहला आता है सोठा ठीक है तो इसकी हम पहले परिभाषा जान लेते कि सोटा होता क्या है तो यहां पर देखिए यह, दो, दोहे यह दोहे का उल्टा छंद है ठीक है यह दोहे का उल्टा छंद है इसके पहले और तीसरे चरणों में इसके पहले और तीसरे चरणों में ग्यारह ग्यारह तथा दूसरे और चौथे चरणों में तेरह तेरह मात्राएं होती है ठीक है फ्रेंड्स यह दोहे का उल्टा छंद होता है इसके पहले और तीसरे चरणों में ग्यारह ग्यारह तथा दूसरे और चौथे चरणों में तेरह तेरह मात्राएं होती हैं ठीक है जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं देखिए यहां पर इसे उदाहरण दिया है कि जो गणनायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धिरासिशु गुण सदन अब यहां पर तेरह तेरह मात्राएं और ग्यारह ग्यारह मात्राएं का अर्थ क्या होता है तो तेरह तेरा तरह और ग्यारह ग्यारह का अर्थ होता है यह होता है कि लघु के लिए एक लगता है यानी एक मात्राएं गिनी जाती है और दीर्घ के लिए दो मात्राएं अब लघु और दीर्घ कैसे पता चलेगा जैसे अ आपका लघु हो जाएगा आ, आ आपका दीर्घ हो जाएगा उसी छोटा ई लघु बड़ा ई दीर्घ इसी तरह हमें पता करना होता है यानी मात्राएं देखकर हमें पता करना होता है तो यहाँ पर जिसे देखिए जो यानी कि ओ की मात्रा तो ओ दीर्घ आ जाएगा औ जो ओ के बाद औ आएगा वो आपका लघु रहेगा तो यहाँ पर जो मात्रा लगेगी वो इस तरह दीर्घ की मात्रा इस तरह लगती है ठीक है फ्रेंड्स एस के आकार की और लघु की एक खड़ी पाई सिर्फ रहता है जैसे यहाँ सु छोटा हुआ है तो यहां पर वन लगेगा यानी कि लघु लगेगा यहाँ पर देखिए छोटी का मात्रा है यानी कि वन लगेगा यहाँ पर भी यहां पर भी का तो यहां पर भी एक और यहां पर भी एक ठीक है और यहां पर देखिए छोटी का मात्रा यानी कि वन यहां पर भी वन और यहां पर ओ आ गया अर्थात यहां पर दो हो जाएगा और यहां पर भी एक तो अब आप लोग गिनिए कि कितने हो गए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ग्यारह तो परिभाषा में जैसा कि दिया था कि इसके पहले और तीसरे चरणों में ग्यारह तीसरे चरणों में ग्यारह ग्यारह मात्राएं तो पहले में तो हमें ग्यारह मिल गया अब तीसरे में भी देख लेते हैं पहला ये हुआ दूसरा ये हुआ तीसरा ये हुआ तीसरे में देख लेते हैं वन टू फिर यहाँ पर अ की मात्रा अब देखिए यहां पर थोड़ा अंतर हो जाएगा अनुग्रह दिया है ठीक है अब यहां पर देखिए ग्रह दिया है ग्रह अनुग्रह ग तो दिया है लेकिन साथ में र के भी कुछ मात्रा आती है तो र की जो मात्रा आ रही है वो अनु में लग जाएगा अनु नु अनु ग्रह तो इसमें जब उसकी भी मात्रा आएगी तो ये डबल हो जाएगा तो यहां पर दो का बनेगा यानी कि दीर्घ का हो जाएगा और यहां पर वन हो जाएगा और यहां पर भी वन हो जाएगा ये ओ का मात्रा है यहां पर टू हो जाएगा और यहां पर वन हो जाएगा तो इसका अभी हम लोग गिनती कर लेते हैं तो एक दो तीन चार चार दो छ सात आठ आठ दो दस और दस एक, एक ग्यारह तो पहले और तीसरे चरण में ग्यारह ग्यारह मात्राएं हमारी आ गई अतः हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही है अब दूसरे और चौथे चरणों में दिया है कि तेरह तेरह मात्राएं है होती हैं। तो इसके भी इसका भी हम देख लेते हैं तो यहां पर देखिए, ग एक दो यहां पर भी दो का हो जाएगा फिर एक हो जाएगा एक हो जाएगा यहां पर भी एक हो जाएगा एक एक, 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 एक। ठीक है अब इसकी गिनती कर लेते हैं तो वन टू 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 फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन थर्टीन ठीक है वन टू और टू टू फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन तो अर्थात हमें तेरह प्राप्त हो गया तो कहा गया है परिभाषा में एक दूसरे और चौथे चरणों में तेरह तरह मात्राएं होती है तो दूसरे चरण में तो तेरा मात्राएं मिल गई चौथे चरण में देख लेते हैं तो चौथे चरण को आप ध्यान से देखिएगा देखिए दिया दिया है है राशि राशि तो यहाँ पर भी बुद्धि जो दिया आधा, जो आधा ध आ रहा है, वो बु में आ जाएगा ठीक है बुद्धि तो आधा ध इसमें आ जाएगा तो अतः यहाँ पर दो हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो यहाँ पर वन हो जाएगा यहाँ पर रा है तो यहाँ पर भी दो हो जाएगा और यहाँ पर छोटी की मात्रा तो यहां पर भी वन हो जाएगा यहां पर देखिए छोटा मात्रा, वन 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 ठीक है अब गिनती कर लेते हैं दो दो एक तीन तीन दो पाँच पाँच एक छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तो दूसरे और चौथे चरण में हमें तेरह तेरह मात्राएं मिल गई अतः उदाहरण भी सही है और हमारा कैलकुलेशन भी सही है तो यह उदाहरण बहुत ही अच्छा है छोटा के लिए जो सुमिरत सीधी हुई गन नायक बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुग गुण सदन ठीक है फ्रेंड्स तो आपको सोठा अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं आपके सारी प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा अगला है रोला ठीक है फ्रेंड्स रोला तो रोला का परिभाषा देख लेते हैं तो यहां पर देखिए परिभाषा यह सममात्रिक छंद है ठीक है यह सममात्रिक छंद है इसमें चार चरण होते, है, है, इस होते, है? होते हैं ठीक है फ्रेंड्स इसमें कितने चरण होते हैं चार चरण होते हैं इसमें चार चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में चौबीस मात्राएं होती हैं कितनी मात्राएं होती हैं चौबीस मात्राएं होती, है। मात होती हैं प्रत्येक चरण में चौबीस मात्राएं होती हैं ग्यारह और तेरह मात्राओं पर यति होती है तो अभी यति क्या होता है यति का मतलब होता है कि विराम होता है ग्यारह और तेरह या वो अर्ध विराम हो या वो पूर्ण विराम हो विराम रहेगा तो ग्यारह और तेरह मात्राओं पर यति होती है और प्रत्येक चरण में चौबीस मात्राएं होती हैं तो हम इसका उदाहरण देख लेते हैं तो यहां पर देखिए जीती जाती हुई जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी यहाँ पर अर्ध विराम रहेगा निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी जिनके आगे ठहर जिनके आगे ठहर सके जंगी न नजहाजी हाय वे वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी ठीक है अब इसके हम लोग मात्राएं भरते हैं और देख लेते हैं कि क्या सही है तो प्रत्येक चरण में चौबीस मात्राएं होती हैं और ग्यारह और तेरह मात्राओं पर यति होती है तो यहां पर देखिए बड़ी का मात्रा तो दो हो जाएगा यहां पर भी दो हो जाएगा यहां पर भी दो दो यहां पर वन हो जाएगा यहां पर टू हो जाएगा क्योंकि बड़ी की मात्रा है ठीक है यहां पर वन हो जाएगा यहां पर दो हो जाएगा यहां पर भी दो हो जाएगा यहां पर भी दो वन वन दो और दो ठीक है फ्रेंड्स तो यहां पर देखिए दो दो चार 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 आठ आठ एक नौ नौ दो ग्यारह ग्यारह पर क्या है यति है यानी कि विराम है अब यहाँ पर देखिए वन टू थ्री चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह पर भी क्या है यति है अर्थात पूर्ण विराम है तो कभी ग्यारह पर अर्ध विराम रहता है और तेरह पर पूर्ण विराम रहता है और प्रत्येक चरण में चौबीस मात्राएं होती हैं तो हम देख लेते हैं कि क्या एक चरण में चौबीस मात्राएं हैं तो दो दो चार 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 आठ आठ एक नौ नौ दो ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस भीश, बीस बीस चार चौबीस अतः हमारा सही है अगला देख लेते हैं निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल खुराजी तो ये वन हो जाएगा वन हो जाएगा वन हो जाएगा, वन, हो जाएगा, वन ये दो हो जाएगा वन वन ये भी दो हो जाएगा वन वन ये भी दो हो जाएगा ये भी दो हो जाएगा वन 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 ये वन हो जाएगा ये दो हो जाएगा और ये दो हो जाएगा ठीक है तो देखिए एक दो तीन चार चार दो छः छः दो आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह चार सोलह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस चार चौबीस सही है जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी तो वन हो जाएगा वन हो जाएगा टू हो जाएगा दो हो जाएगा दो हो जाएगा एक एक हो जाएगा दो हो जाएगा ये भी दो हो जाएगा ये भी दो एक एक दो और तो ठीक है यहाँ पर देखिए दो दो चार 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 आठ आठ तीन ग्यारह बारह बारह दो चौदह चौदह चार अठारह, अट्ठारह इकोनीस उन्नीस बीस बीस चार चौबीस सही है अब यहाँ पर देखिए हाए ये दो हो जाएगा यह दो हो जाएगा यह वन हो जाएगा ये दो हो जाएगा वन हो जाएगा ये दो हो जाएगा ये वन हो जाएगा ये ये दो हो जाएगा ये कैसे दो होगा तो छत्र त्र में त में रा भी आ रहा है तो इसमें आ जाएगा अतः छ भी रहेगा भी रहेगा तो दो हो जाएगा यहाँ पर वन हो जाएगा ये वन हो जाएगा ये वन हो जाएगा ये दो हो जाएगा वन हो जाएगा वन दो और दो ठीक है ठीक है दो दो चार पाँच पाँच दो सात सात तीन दस दस एक ग्यारह ग्यारह दो तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस चार चौबीस तो हमारा सही है प्रत्येक चरण में चौबीस चौबीस मात्राएं होती हैं ये उदाहरण रोला के लिए बहुत ही अच्छा है जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी जिनके आगे ठहर सके जंगीन जहाजी है वे वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी तो दोस्तों मैंने आप लोग को रोला और छोटा बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब क्योंकि मैं ऐसी वीडियो रेगुलर अपने चैनल पर लाया करता हूं जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जय हिंद जय भारत